सो दिस इज माई सेटअप आज का। 10-12 डेज के बाद मैं प्रॉपर ऐसे बैठकर वीडियोस कर रही हूँ आज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सुबह का थोड़ा बहुत आपने कुछ कुछ देखा होगा और अभी बज रहे हैं दिन के 3 और मैं कर रही थी अभी वीडियो फिल्म। अभी 1.5 घंटे से मैं वीडियो फिल्म कर रही थी। सो मैंने 2 वीडियो फिल्म किया है, एक पूरा हो चुका है, एक अधूरा है। थंबनेल सब कुछ शूट हो चुका है, एक थोड़ा अधूरा हुआ है, उसे मुझे कंप्लीट करना है। सो मैंने थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड पर भी ध्यान दिया है। मैंने यहाँ पर कुशन उसन लगा के यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अपना बना लिया है और धूप निकली है आज। 3 दिन से धूप निकल रही है, मतलब 10-11 दिन से धूप ही नहीं निकली थी बिल्कुल भी, इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था बिकॉज कि लाइटिंग प्रॉपर नहीं मिलती है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा रहता है वीडियो में, दैट्स व्हाई वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। मतलब 10-12 डेज के बाद मैं प्रॉपर ऐसे बैठ कर वीडियोज़ कर रही हूँ आज। सो धूप यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर वाली निकली हुई है, काफ़ी अच्छा धूप निकला है। सो जब धूप नहीं निकलती है ना तो वीडियो फिल्म नहीं हो पाता है बिकॉज कि लाइटिंग प्रॉपर नहीं मिल पाती है। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक रिंग लाइट लेने वाली हूँ। रिंग लाइट मैंने अपने कार्ड में भी ऐड कर लिया है। मैंने सोचा है कि ये वीडियो ख़त्म करते हैं, बाहर आ चुकी हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़रूरी है। आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आप धूप में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऐसे ऐसे यो ये हाँ क्या है बेटा? हो गया पढ़ाई, ये लास्ट पेज है बेटू आपका। रात हो गया लई 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 बुक लई बुक लई। अच्छा लीजिए लीजिए लीजिए। सो हाई एवरीवन, और दिस इज़ अनदर डे। आज मैं फिर से शूट कर रही हूँ स्विट्स ब्यूटी के हाइलाइटर का रिव्यू और दिस इज़ माई लुक। अभी मैंने बस लिपस्टिक आईलाइनर अप्लाई किया है और मुझे इसकी रिव्यू करनी है। सो इस ये रिव्यू आप चैनल पे अभी देख पा रहे होंगे, ब्लॉग तो लेट से जाएगी। सो मैंने कुछ भी हाइलाइटर या फिर आई शेडो नहीं अप्लाई किया है क्योंकि मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, दैट्स वाई। सो बाबू को मैंने बाहर बैठाया है क्योंकि यहाँ पे वो खेलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी उसकी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसको धूप में रखा है। सो लेट मी शो यू, देखिए यहाँ पे धूप में रखा है और जब मेरा वीडियो शूट हो जाएगा तो मैं इसे अंदर ले आऊँगी। यहाँ पे प्रॉपर धूप होती है और यहाँ पे मैंने उसका पूरा अच्छा से बेड लगा दिया है। क्या हो गया? तुरंत मम्मा ले लेगी बेबी को अंदर, अभी धूप में बैठिए है ना। ओके बेड ठीक, और अभी जस्ट मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से अरेंज कर दिया है, इसको बिठा दिया है बाबू को और यहाँ से धूप आती है। सो अभी हल्की हल्की सी धूप आ रही है और बेड के जस्ट साइड में यहाँ पे रखा है इसको अब। सो गाइज, मेरा शूट हो चुका है। सो दिस इज़ माई सेटअप आज का, मेरा ये कुछ सेटअप मैंने बनाया था। सो ये हो चुका है, जब तक ये व्लॉग जाएगा उसके पहले ये वीडियो जा चुका होगा तो आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी इस हाइलाइटर की। सो मैंने इस हाइलाइटर को यूज़ किया है, आप देख सकते हो मेरी नोज़, मेरी क्यूपिड बो कितने अच्छे से शाइन कर रही है। और मैंने आपको दिखाया था, मैं ये जो स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस बच्चे को देखिए, ये खड़ा होने की कोशिश कर रही है, इसको मैंने यहाँ पे साइड में रखा है। सो ये देखिए ये हाइलाइटर, इसको देखिए खड़े होने की कोशिश कर रही है। ओ माय गॉड, ये तो खड़ी हो गई। ओहो बेटा, ये जा, लाइट ऑफ करिए, लाइट्स ऑफ, अब खेल सकती हो तुम।
मैं जा रही हूँ खाना खाने, टू मेक आलू चॉप। सो थोड़ा सा स्पाइसी टाइप का खाने का मन कर रहा है। लंच हो गया और राइस खाने के बाद ठंड लगने लगती है। सो मुझे ठंडी ठंडी जैसा फील होने लगा। सो मैं सोचा कि थोड़ा सा धूप में खड़ी हो जाऊँ, चलना पड़ेगा। यहाँ धूप आ रही है ना, यहाँ पे बैठती हूँ। शाम के 5 बज गए हैं और ठंड बढ़ गई है। सो मैंने हुडी पहन लिया है और दिस इज़ द मॉम्स ड्यूटी। सो नाउ बेटा भुकू आई है, छोटू को छोटू को भूखू आई है। कुछ मकर संक्रांति का प्रिपरेशन हो गया है, थोड़ा बहुत चीज आ गया है, जो चीज खाते हैं वो। बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं मूंगफली पट्टी। सो बहुत ही टेस्टी है, बहुत यमी है। और बाबू भी खेल रही है उसके साथ। अरे बेटा क्या कर रही हैं आप, गिर जाइएगा बेटू, पूरा डर्टी डर्टी हो गया। इसमें आइए छोटू, पूरा डर्टी डर्टी कर ली है ये। वो कौन सा गिर जाओगे बेटा, ले लीजिए इसको। अरे लॉरियल भरा है। थैंक यू। लॉरियल इधर इधर रखिए। सो गाइस अभी जस्ट मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। जस्ट मैं रिसीव करके रूम में थोड़ा सा काम ख़त्म करने आ गई थी। सो मैं आपको दिखाना ही भूल गई। अभी मुझे ये लॉरियल का पार्सल रिसीव हुआ है जिसमें लॉरियल का न्यूली लॉन्च सीरम है जो कि फरवरी में लॉन्च होने वाला है और फरवरी में इसकी रिव्यू जाएगी। तो अभी जनवरी 13 जनवरी है आज और आज हमें प्रोडक्ट मिल गया है। बेसिकली 20 से 25 डेज पहले हमें प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है ताकि हम अच्छे से उसका यूज़ कर सके और उसका अच्छा से रिव्यू दे सके। सो दैट्स वाई ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो गया है। सो मैं जा रही थी इसके लिए, मैं सीज़र ढूंढ रही थी ताकि इसको मैं कट करूँ। मैं पीछे साइड से आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आगे में थोड़ा एड्रेस दिया गया है। सो दैट्स वाई सो मैं इसे ओपन करने जा रही थी, सीज़र ढूंढ रही हूँ, सीज़र मुझे मिल नहीं रहा है। सो मैं इसे कट करके देखती हूँ कैसा सीरम है, फिर यूज़ करूँगी और फरवरी में इसकी रिव्यू जाएगी तो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। ओपन कर लिया है और प्रोडक्ट मैंने देख लिया है। मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये वीडियो हमें फरवरी में पोस्ट करना है। फरवरी में हमें वीडियो पोस्ट करने के लिए परमिशन मिलेगा, उसके बाद ही मैं इस प्रोडक्ट को आपको दिखा सकती हूँ। वेरी एक्साइटेड टू यूज दिस प्रोडक्ट। ठंड बढ़ गई है और हम लोग इस बच्चे को इस ब्लैंकेट के अंदर रख दिए हैं, सिर्फ इसका फेस दिखेगा ओनली। क्या हुआ, इस बच्चे को हम लोग इस ब्लैंकेट में दबा के रखेंगे पूरी ठंड, है ना, है ना। अब मैं इस ब्लॉग को लास्ट करूंगी। शाम में हम चले गए नीचे, उस दिन थी लोहरी और बहुत से पंजाबी घरों में लोहरी सेलिब्रेट हो रहा था। सो हमने उससे भी इंजॉय किया, बहुत सारे घरों को डेकोरेट किया गया था,
लाइटिंग लगाई गई थी, वहाँ पे आग जल रही थी, बहुत सुंदर से डेकोरेट किया गया था। सो मैं एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके बाद ये व्लॉग को मैं लास्ट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।